और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियो में हमारे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स ने हमें बहुत बार कमेंट कर चुके हैं कि आपके पास अभी कितने कनूर हैं, उसका प्राइस क्या है, आप डिटेल में बताइए कहां से लिया है, कितने में मिलेगा, कहां पर मिलेगा। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप एक कनूर लवर हैं, पसंद करते हैं, लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप पूरा देखें। प्लीज़ स्किप करके मत देखें, मैं हर डिटेल्स इस वीडियो में मैंने बताया है। ये जो हमारा सबसे खास करके तुड़तुड़ी थोड़ा बड़ा हो चुका है अभी, तो धीरे धीरे निकी के साथ भी ये खाने भी लगा है। तो कनूर स्पीसीज में सबसे सस्ता कहा जाता है और सबसे ज़्यादा मिलने वाला पाइनएप्पल कनूर, इसका भी बहुत सारा वैरायटी है। ये नॉर्मल है, डबल रेड फैक्टर, सिंगल रेड फैक्टर, इस तरह का भी आपको मिलेगा। सबसे सस्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको हर तरह का पेट शॉप में जहाँ पर बर्ड मिलता है आपको मिल जाएगा, और इसका प्राइस भी कम है। नॉर्मली आपको वाइल्ड आपको 3 से 4 हज़ार में आपको मिल जाएगा, सिंगल 8 से 10 हज़ार आपको मिल जाएगा। पेयर डीएनए करवाया हुआ, डीएनए हो जाने के बाद प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि आपको मेल फीमेल डिटेक्ट करके पेयर बना के ही वो लोग बेचते हैं, तो इसलिए डीएनए करवाने के बाद प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर टेम लेना चाहेंगे तो टेम का प्राइस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसके ऊपर टाइम देना पड़ता है, उसके ट्रेन करवाना, उसको टाइम देना, सबसे ज़्यादा टाइम, टाइम इज मनी। टाइम जितना देके उसको टेम बना के अच्छे से खिला के पिला के ट्रेन करके जो बेचेगा तो उसका मेहनत का ही वो प्राइस लेगा। नॉर्मली ये बर्ड जो है विदाउट टेम आपको इतना छोटा अगर बेबी भी ना मिले तो आपको नॉर्मली 4 हज़ार से लेके 5 हज़ार इतने में आपको मिल जाएगा बड़ा। तो छोटे बर्ड जो है उनमें से सबसे सस्ता वाला, यानी छोटे कनूर में से सबसे सस्ता वाला ये पाइनएप्पल कनूर है। तो अगर आप कनूर लेना चाहते हैं तो आप इजीली इस बर्ड को आप ट्राई कर सकते हैं। इसका कलर एकदम कुछ खास नहीं है उतना सा, लेकिन जितना ज़्यादा रेड फैक्टर रहेगा उतना ही अच्छा देखने के लिए होगा। इसका कलर जो है लाइट ग्रीन है, इसका पूंछ भी लाइट रेड है, और फेदर में आपको ग्रीन और ब्लू का भी कम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और इसका हेड जो है ये एस कलर का है। अगर आप एक कनूर लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूं जो लो बजट में जो कनूर मिलता है ये है येलो साइडर। इसका प्राइस लगभग आपको 4 से 5 हज़ार तक आपको मिल जाएगा। अगर टेम है तो थोड़ा ज्यादा महंगा मिलेगा। अगर आप एडल्ट वाइल्ड लेना चाहेंगे तो उस वो केज में रहेगा, उतना फनी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी लगभग सन कनूर के ही निकी के टाइप का ही है, बहुत शांत है ये। मैंने इतना दिन जब से ये हमारे घर पे आया है मैंने नोटिस किया है ये बहुत शांत है, जो पाइनएप्पल कनूर है उसके मुकाबले ये बहुत शांत है, चुपके से खाता है। अगर मैं अपना हाथ ले जाता हूँ तो हाथ पर उठ के बैठ जाता है। तो मैंने इसका प्राइस बता दिया। इसका क्राई जो कलर है ये ग्रीन है ऊपर से, और नीचे आपको येलो और रेड आपको कम्बिनेशन मिलेगा। इसका हेड है ब्लैक और साइड पे आपको येलो ग्रीन रेड का भी आपको कम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और येलो साइडर का सबसे खास बात यही है, आपको इस बर्ड में आपको बहुत सारा कलर देखने को मिलेगा। फेदर विंग के नीचे आपको येलो, और इसके विंग में आपको ब्लू और ग्रीन दोनों ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जब ये उड़ेगा या फ्लाई करेगा तब इसके पंख में आपको दो तरह का कलर आपको मिलेगा देखने के लिए, बहुत कलरफुल है ये। ज़्यादातर ये जो बर्ड है अगर आप देखें आपको शायद ब्लू और ग्रीन दोनों ही देखने के लिए मिल रहा है। ज़्यादातर ये जो येलो साइडर है और ग्रीन चिक और एक कनूर है, ये दोनों कैटेगरी का कनूर बाहरी देश में यानी फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर पेट के तौर पे पाला जाता है, पेट बर्ड के तौर पे, यानी जब जो छोटा जो हम डॉग पालते हैं उसी तरह एक छोटा बर्ड भी इस तरह कैटेगरी का जो येलो साइडर और ग्रीन चिक है इन सबको पाला जाता है। इसके बाद है ब्लू येलो साइडर, ये भी बहुत शांत है लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा है। ये बहुत फुर्तीला है, सामने उतना ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा ये लाजुक है यानी शर्माता है थोड़ा सा, उतना ज़्यादा सामने नहीं आता है ये।
इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ये म्यूटेशन कैटेगरी में पड़ता है। अभी तक तो फुल कलर नहीं आया है, इसके नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा कलर जो नीचे यानी पेट के साइड ये येलो और ब्लैक का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और इसका हेड जो है ये है ब्लैक, और इसका जो पंख है ये ब्लू आपको एज के साथ साथ आपको जब ये एडल्ट हो जाएगा तब मिलेगा। इस बर्ड का प्राइस थोड़ा सा महंगा है, लगभग आपको आज के दौर में 2021 में आपको लगभग 8,000 to 9,000 तक इसका प्राइस होगा, सन कनूर से थोड़ा सा कम। और ये है क्रिम्सन बेलीड कनूर। आज मैं क्लोज करके दिखा रहा हूं, इसका पूंछ का कलर बहुत ही कलरफुल है, और सबसे खास बात यही है कि इसके पेट के नीचे जब ये एडल्ट हो जाएगा तब पूरा रेड हो जाएगा। अगर आप इसका पंख देखें, अभी तक तो फेदर पूरा नहीं आया है, लेकिन इसका फेदर जो है यानी एक क्या कहूँ मैं, ग्रीन ब्लू का कम्बिनेशन, इसका हेड जो ब्लैक है, और इसके नेक पे अगर आप देखें यहाँ पर भी अलग सा कलर है। इस बर्ड में सबसे खास जो है वो है इसका रेड कलर। अगर आप इसका रेड कलर देखें तो कितना डार्क और कितना आंखों में लगने वाला ये कलर है। अभी तक तो ये छोटा है, जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा 1-1.5 साल के बाद इसके पेट के नीचे पूरा एकदम पेट के नीचे पूरा रेड, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है इस तरह कलर देखने के लिए मिल जाएगा। ये जब चलता है तब ये अपने जो पूंछ है इसको फ्लैट कर लेता है। अगर आप इसका पूंछ का कलर देखें, अरे बाप रे ये भी उड़ के चला गया। इसका पूंछ का कलर बहुत ही गॉर्जियस है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। इसके फेदर में भी ब्लू कलर है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, यानी इस तरह कलर इसका फेदर में जो मैंने आपको दिखाया इस तरह का कलर आपको पीकॉक में देखने के लिए मिलेगा। ये छोटे साइज यानी छोटे स्पीसीज का है, जैसे कि सन कनूर जो है यानी निक्की वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, लेकिन ये कनूर जो है यानी जो ब्लू येलो साइडर मैंने दिखाया, जो ग्रीन चिक या क्रिम्सन बेली, इस तरह का कनूर साइज में थोड़ा छोटा होता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि छोटा हो या बड़ा, कलर एक्टिव और पनी ही सबसे बेस्ट है, जो मज़ेदार हो, टाइम बिताए, एक्टिव हो, वही हमारे लिए खास है, इसलिए मैं पसंद करता हूँ ये सब कनूर। तो चलते हैं अब इसके प्राइस पॉइंट पर। तो इसका प्राइस जो है मैंने इसको लिया है 15,000 में। अगर थोड़ा सा बड़ा होता यानी सेमी एडल्ट हो जाता, 4-5 महीने का या 6 महीने का, उस तरह का बर्ड आपको DNA करवाने के बाद एक पेयर मिनिमम आपको 40,000 में मिलेगा। प्राइस फिक्स नहीं है, कहीं पर भी आप ले ब्रीडर के हिसाब से, कोई आपको 30,000 में बेचेगा, कोई 40,000 में, कोई 50,000 में। लास्ट जो 2020 या 2019 में ये बर्ड जो 70,000 में भी बिकता था, तो अभी थोड़ा कम हो गया है, मैंने इसको 15,000 में लिया है। और ये मैंने अपने दूसरे दूर का एक फ्रेंड है, तो जैसे ही आप लोगों को पता ही है मैं बहुत दिनों से मैं बर्ड रख रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत सारे दूर दूर का जो बर्ड फार्म है उनसे फ्रेंडशिप है, दोस्त है, तो मैंने वहीं से मैंने लिया है। लगभग हमारे घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर से मैंने इसको मंगवाया है ट्रेन से, तो इसलिए उस दिन अनबॉक्सिंग किए थे, किस तरह आया था वो भी आपको पता चला है। तो इसका प्राइस आप लोगों को मैंने बता दिया है, तो अगर आप चाहे तो किसी भी पेट शॉप में आप जाके पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और एग्जॉटिक बर्ड आपको किसी भी पेट शॉप में ज़रूर मिलेगा या अरेंज कर देगा, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इजीली घर पे आप रख सकते हैं।